विजेता झारखंड कराते टीम की हौसला अफजाई किए जाने की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित इंटरनेशनल बीजी कराटे चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण समेत 6 पदक जीत कर लौटे झारखंड के 5 कराटेकाओं ने राजधानी रांची में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने उनकी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ढाका में आयोजित इंटरनेशनल बीजी कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के 5 कराटेकाओं ने 2 स्वर्ण एवं 4 रजत समेत कुल 6 पदक जीते हैं। इनमें नीरज कुमार ने 21 वर्ष से ऊपर ब्लैक बेल्ट कैटेगरी के काटा में स्वर्ण पदक, प्रणव पाल ने 18 वर्ष से ऊपर ब्लैक बेल्ट कैटेगरी के काटा में स्वर्ण पदक, कर्णिशा दास ने 18 वर्ष से ऊपर ब्लैक बेल्ट कैटेगरी के काटा में रजत पदक, आदर्श कुमार सिंह ने 18 वर्ष से ऊपर ब्लैक बेल्ट कैटेगरी के काटा में रजत पदक, हर्ष पाल ने 18 वर्ष से ऊपर ब्लैक बेल्ट कैटेगरी के कुमीते में रजत पदक एवं प्रणव पाल ने 18 वर्ष से ऊपर ब्लैक बेल्ट कैटेगरी के कुमीते में रजत पदक हासिल किया है। प्रतियोगिता में भारत के साथ बांग्लादेश, नेपाल व श्रीलंका की कराटे टीमों ने हिस्सा लिया। ढाका से लौटने के बाद इन खिलाड़ियों ने झारखंड स्टेट कराटे डू एसोसिएशन के महासचिव तथा टाटा स्टील कराटे ट्रेनिंग सेंटर के चीफ कोच टाटा एल नागेश्वर राव के साथ राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने बच्चों को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी एवं भविष्य में उनके और अच्छे प्रदर्शन की कामना भी की। दिन भर की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।